शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। आज हम रावण कृत अर्क संहिता का यहां आपको बता रहे हैं। इस अर्क संहिता की रचना रावण ने की है और इस सर्ग संहिता की रचना में रावण ने ये कहा है कि जैसा भगवान शंकर ने रावण को उपदेश दिया, रावण को जैसा बताया, वैसा रावण ने इस संहिता को रचा है। अतः मूल रूप से यह संहिता भगवान शंकर की रची हुई है या रावण को बताई हुई है।
तो रावण को जो बताई है, तो रावण ने उसको मंदोदरी उनकी पत्नी उनको सुनाया है, इसी को रावण की अर्क संगीता कहते हैं। तो अर्क संगीता के प्रारंभ करने से पूर्व भगवान शंकर का रुद्र कवच जो रावण ने स्वयं रचा है उसका उच्चारण करें, उसके उपरांत अर्घ संगीता का यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। यह अर्घ संगीता कई भागों में है, बड़ी है, लेकिन हर गृहिणी के लिए, हर हकीम वैद्य साधारण मनुष्य के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है और उनके लिए ये बेहद आवश्यक है। हर मनुष्य को इसकी जानकारी होना चाहिए। आप स्वयं जानेंगे कि इसमें कितना ज्ञान छुपा है, कितना रहस्य छुपा है प्रकृति का। और अर्क कैसे बनाए जाते हैं, अर्क किसके कितना प्रभाव रखते हैं, कितनी तासीर रखते हैं, ये सब विद्या इसमें है। तो सर्वप्रथम श्री रुद्र कवच का हम उच्चारण करते हैं जो स्वयं रावण ने रचा है। ओम भैरव वाच वक्ष्यामि देव कवचम मंगलम प्राण रक्षकम अहोरात्रम महादेव रक्षार्थम देव मंडितम। यहाँ पर भैरव बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हारे निमित्त शुभ व प्राणों के रक्षक रुद्र नामक कवच का वर्णन करता हूँ जो अहर्निश दिन रात रक्षा करता है। यह कवच देवताओं ने भगवान महादेव की रक्षा कहा। इसका विनियोग का मंत्र उच्चारण कर रहा हूँ, तो हाथ में जल लेकर के विनियोग करके उसे भूमि पर छोड़। ओम अस्य श्री महादेव कवचस्य वामदेव ऋषि पंक्तिश्छन्दः सौ बीजं सुरुद्रो देवता सर्वार्थ साधने विनियोगः। अब हम कवच का उच्चारण कर रहे हैं, ये रुद्र कवच। रुद्रो मामग्रतः पातु पृष्ठतः पातु शंकरः कपर्दि दक्षिणे पातु वाम पार्श्वे तथा हरः शिवः शिरसि मां पातु ललाटे नीललोहितः नेत्रं नेत्रयम्बकः पातु वायुयुग्मं महेश्वरः हृदये च महादेव ईश्वरस्य ततोदरे नाभौ नाभौ कुक्षौ कटिस्थाने पादौ पातु महेश्वर सर्वरक्षतु भूतेश सर्वगात्राणि मे हरः पाशं शूलं च दिव्यास्त्रं खंगं वज्रं तथैव च नमस्कारोमि भूतेश रक्ष मां जगदीश्वर पापेभ्यो नरकेभ्यश्च त्राय मां भक्तवत्सल जन्म मृत्यु जरा व्याधि काम क्रोधादपि लप्रभु लोभ मोहान महादेव रक्ष मां त्रिदशेश्वर त्वं गतिस्त्वं मतिश्चैव त्वं भूमिस्त्वं परायणः कायेन मनसा वाचा त्वय भक्तिर्दृढ़ास्तु मे। इत्येतद्रुद्र कवचं पाठनाप्ति पापं नाशम्। ओम इत्येतद्रुद्र कवचं पाठनाप्ति पापं नाशनम् महादेव प्रसादेन भैरवेन च कीर्तिमं न तस्यं पापं देहेषु न भयं तस्यं विद्यते प्राप्नोति सुकुमारोग्यं पुत्रमायु प्रवर्धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् धनार्थी धनमाप्नुयात् विद्यार्थी विद्यां च मोक्षार्थी मोक्षमेव च
व्याधितो मुच्यते रोगद्वद्दो मुच्येत बंधनात् ब्रह्म इत्यादि पापम च पठनादेव नश्यति। हे देवी, भैरव जी बोले, यह कवच विशेष रूप से भैरव ने महादेव की कृपा प्राप्ति के लिए कहा है। इसका पाठ करने से दुष्कृत्यों का क्षय होता है तथा शरीर स्वस्थ व सुखी रहता है। पुत्र कामी, धन कामी, विद्या कामी, मोक्ष कामी को अभीष्ट की प्राप्ति होती है और रोग रक्त मनुष्य के सभी तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, इस कवच का पाठ करने से ब्रह्म हत्या के दोष का भी निवारण हो जाता है। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय। ओम जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। अब हम अर्घ संहिता का यहाँ उच्चारण करेंगे। ये रावण कृत अर्घ संहिता का प्रथम पटल या प्रथम शतकम बोला जाता है इसको। यह प्रथम शतक है, तो आज इस फिल्म में हम प्रथम शतक के यहाँ पर परिचय आपको देंगे, उच्चारण करेंगे। मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद महाभारत के परमवीर योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत सम्राट दिल्लीपत महाराजा अनंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी अपने स्वर में ये उच्चारण को प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये रावण के द्वारा कही गई अर्क संगीता है। तो ये अर्क संगीता का ये प्रथम शतक है, तो ये प्रथम शतक का हम यहाँ उच्चारण कर रहे हैं जिसमें इसका परिचय दिया गया है। तो मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद महाभारत के परमवीर योद्धा अर्जुन का वंशज और महाभारत के अंतिम सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी यहाँ पर अपने स्वर में इसका उच्चारण प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप सबका मंगल हो, आप सबको इससे लाभ हो, इसी कामना के साथ, इसी प्रार्थना के साथ नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। औषधिपतिनेत्राय पद्मिनीपतिमूर्तये कालकालाय नीलाय पार्वतीपतये नमः। औषधिपत चंद्र जिनके मस्तक पर स्वयं विराज रहे हैं, जो पद्मिनीपति चंद्र के सदृश अति निर्मल और परिष्कृत रूप वाले हैं तथा काल के भी काल हैं, ऐसे नीलकंठ पार्वती पति शिव को मैं सादर प्रणाम करता हूं। गर्भभार परिक्रांता कन्या मंदोदरी तथा रावणम परिप्रपच्छ पूजान्ते तुष्टिमानसम। पंच कन्याओं में से एक मंदोदरी ने गर्भभार से पीड़ित और दुखी होकर एक बार पूजा पाठ करने के बाद अपने पति प्रसन्नचित्त रावण से यह पूछा। यहाँ नारियों को बड़ा गहन उपदेश है कि पति प्रसन्नचित्त हो तभी उससे कुछ पूछना चाहिए। इस श्लोक में यह रहस्य छुपा हुआ है क्या, कि गर्भभार परिक्रांता कन्या मंदोदरी तथा रावणम परिप्रच्छ पूजान्ते तुष्टे मानसम। पंच कन्याओं में एक मंदोदरी ने गर्भभार से पीड़ित हो और दुखी होकर एक बार पूजा पाठ करने के बाद अपने पति प्रसन्नचित्त रावण से यह पूछा। मंदोदरी उवाच, अब मंदोदरी बोली, स्वामिन् दैत्य सुराराध्य चतुर्वेद विशारद सदा अणिमाध्याप्त काम
भुवनत्रय पालक, हे स्वामी, आप देवों और दैत्यों द्वारा पूजनीय, चारों वेदों में निष्णात, अणिमाद सिद्धियों से परिपूर्ण, कामवान तथा तीनों लोकों के पालन करता है। इदम शुक्रमोघम ते यदारभ्योदरे स्थितकम तदारभ्य न शक्नोमी वक्तुम वक्त मना मनाक। आपका अमोघ और सार्थक वीर्य जब से मेरे गर्भाशय में अवस्थित हुआ है, तभी से मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, किंतु इस पीड़ा के कारण कह नहीं पाती हूँ। दुखम रोगश्च कालश्च त्वत्प्रसादान नागपि रक्षोगणा न स्पृशन्ति त्वेषा पीड़ा कथमम। जिससे आपका साथ उपलब्ध हो उसे कष्ट, रोग, काल, राक्षस आदि कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, फिर भी मैं पीड़ा भोग रही हूं, क्यों यह बताइए प्रभु। उपायम ब्रूहि मे नाथ गर्भिण्या ही यथोचितम, यथा विवर्धते गर्भो जायते च बलम्। हे स्वामी, आप गर्भवती स्त्री की समस्याओं का उचित समाधान बताइए, जिससे मेरे गर्भ और बल में वृद्धि हो सके। तब रावण बोला, रावण उवाच, एकदा ही पृष्टा पार्वती प्रीतमानसा उमेते ही जगन्मात स्तव देह भवासुता, रोथम न है गणेशाद्या सदृशास्तव बालका, तिष्ठन्ति नान रूपास्ते कारणम ब्रूहि मे शिवे। मैंने एक बार प्रसन्न मना माँ भगवती पार्वती से पूछा था कि हे जगत माता पार्वती, आपके तन से ही उत्पन्न गणेश आदि पुत्र आपकी भांति क्यों नहीं है? वे तेज और रूप में भी आपके और परमपिता शिव के समकक्ष नहीं है, इसका क्या कारण है? तब पार्वती जी ने उत्तर दिया, कामिनो अनंक नाशाय जानते बालका सुत भार्या पे वृद्धा भवति तरुण्यपि सुते सती। पार्वती ने यह उत्तर दिया कि पुत्र रावण कामुक पुरुषों की कामेक्षा की पूर्ति करने और उनकी संतान को जन्म देने वाली स्त्री शीघ्र ही युवावस्था को लांघकर वृद्धावस्था को प्राप्त होती है। एवं सदाशिवम रन्तुं सदेवाहं कुमारिका गणेश स्कंदन नंद्याद्धा कल्पिता मानसा सुता। मैं भगवान शिव के साथ रहती हुई सर्वदा कुमारी अवस्था का पालन करती हूँ, इसलिए चिर युवा ही रहती हूँ। मेरे पुत्र गणेश, स्कंद व नंदी आदि मेरे मन की कल्पना द्वारा उत्पन्न हुए हैं, यानी वे मानस पुत्र हैं। तब रावण बोला, नमस्तुभ्यं मया किं हि संसाराकृष्ट चेतसा विवाहं न करिष्यामि प्रत्युत श्याम कुमारक। हे भगवती, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ, मैं तो सांसारी जीव हूँ, मेरे लिए तो यह सब समझ पाना अत्यंत कठिन है, अतः मैं भी सदैव अविवाहित ही रहूँगा और कुमार धर्म का पालन करूँगा। इति मद्वचनम श्रुत्वा पार्वती वाक्यम ब्रवीत, निर्विण्णो भयं भवमा पुत्र कुरु राज्यम चिरम स्थिरम। तब मेरी बात सुनकर पार्वती जी ने कहा, हे पुत्र रावण, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, तुम चिरंजीवी रहकर अनंत काल तक राज करो। मया सह कृते दैत्यम विष्णु पत्नीत्या चंचला त्वया ग्रहे समानेया स्थाप्य वै बंधने अरिवत। देवी ने यह भी कहा, श्री विष्णु की पत्नी लक्ष्मी बहुत चंचल है,
और मुझसे ईर्ष्या भाव रखती है, तुम भविष्य में उसके सीता रूप का हरण करना और अपने यहाँ शत्रु की भांति बंदी बनाकर रखना। अब यहाँ से हम संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण बंद कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी विस्तार हो जाएगा और ये फिल्म बहुत बड़ी निकल जाएगी, इसलिए हम उस केवल हिंदी उच्चारण अब प्रस्तुत करेंगे। आगे लक्ष्मी के उस रूप के कारण सभी महाबली देवों पर तुम विजय प्राप्त करोगे। प्रकृति ने मेरे शरीर के रोम रोम से अनेक औषधियों को उत्पन्न किया है, अतः हे पुत्र उन औषधियों की अमोघ शक्ति से तुम संपूर्ण विश्व के अपराजेय विजेता बनोगे। इसके बाद माँ पार्वती ने उन औषधियों के गुणों का विशद वर्णन किया। तब रावण बोला, प्रिय मंदोदरी, माँ पार्वती ने जिन औषधियों के कल्प की महिमा के बारे में मुझे बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करना, यानी ध्यानपूर्वक सुनो। औषधियाँ 5 रूपों में उपलब्ध हैं, लता, गुल्म, शाखा, पादप तथा प्रसरा। इनके लक्षण इस प्रकार हैं, आगे लक्षण बता रहे हैं। तो ये 5 रूपों में औषधियाँ जो उपलब्ध हैं, लता, गुल्म, शाखा, पादप तथा प्रसरा। गिलोय यानी गुडूची लता कहलाती है और परपट को गुल्म कहते हैं और आम आदि को शाखा, बरगद, पीपल आदि पादप की श्रेणी में आते हैं। और कंटकारी आदि प्रसरा के गुणों से भरपूर है, इन औषधियों के पंचांग को शक्तिशाली माना जाता है। अब इसमें ये पंचांग पत्ते फूल, छाल, फल और जड़ के रूप में होते हैं। पंचांग जो होते हैं, पत्ते, फूल, छाल, फल और जड़, ये इस रूप में होते हैं और ये एक दूसरे से बढ़कर अधिक लाभदायक होते हैं। पत्ते से अधिक लाभ फूल में और फूल से अधिक लाभदायक जो है छाल होती है और छाल से अधिक फल और सबसे अधिक जड़ को लाभदायक माना जाता है। वैद्य लोग इनके शीतोष्ण गुणों के अनुसार ही विभिन्न रोगों में इनका उपयोग करते हैं, यानी कि इनकी जो शीत तासीर होती है और गर्म तासीर होती है उसी के गुणों के अनुसार ही वैद्य लोग इनको ग्रहण करते हैं। तो ये जो 5 चीज़ें इनको पंचांग कहा जाता है किसी भी पौधे का, तो वो किस तरह ग्रहण किया जाता है ये विधि हुई। अब आगे आप सुनिए, तालीस के पत्ते तथा धात आदि के फूल लाभदायक होते हैं, बरगद की छाल और त्रिफल के फल तथा पंचांगुल की जड़ भी बहुत उपयोगी होती है। यहाँ पंचांगुल की जो जड़ की बात आई है, तो ये पंचांगुल जो है पौधा जो होता है जंगलों में और डांगों में, बेड़ों में कहीं खड़ा रहता है, कई जगह रहता है। तो इस पंचांगुल की जो बात है, तो ये पंचांगुल की जड़ को खोद पाना बड़ा कठिन रहता है क्योंकि इसमें एक के बाद एक 5 वो निकलते हैं जड़ के दल बने हुए, तो हर दल में एक सर्प निवास करता है, तो वो सारे सर्प बड़े कुंखार होते हैं और अंतिम दल तक इसकी जड़ को खोद पाना किसी बहुत बड़े तांत्रिक के वश की बात होती है, हर कोई नहीं खोद सकता क्योंकि हर सर्प इसकी एक जड़ खोदते ही एक भयानक फुंकार मार के चोट करता है और कभी कभी उड़कर माथे पर सीधा चोट करता है या कहीं जो भी अंग खुला हो शरीर का वहाँ पर चोट करता है। तो इसके हर दल में जो है सर्प निवास करते हैं, अतः पंचांगुली की जड़ जो है बहुत विशिष्ट तांत्रिक होते हैं या बहुत बड़े किस्म के वैद्य होते हैं जो पूरी विद्या के जानकार रहते हैं
केवल वे लोग खोद पाते हैं। तो इसमें जो है पंचांगुल की जड़ तंत्र में भी बहुत उपयोगी होती है, तंत्र में इसको बहुत ज़्यादा वो महत्व प्राप्त है। और यहाँ औषधि के रूप में तो इसका महत्व रावण बता ही रहा। जिन औषधियों के बारे में कोई उल्लेख न हो वहाँ उनका सार ग्रहण करना चाहिए तथा वैद्य को स्वविवेक के अनुसार उसका अंग निर्धारण करना चाहिए। रस, गुण, बल, प्रकृति और शक्ति जिस पदार्थ में भी हो उसे औषध कहते हैं। रस 6 प्रकार के होते हैं। अब आप रस यानी वो अर्कों पे आ गए, अर्क पर कि अब उनके बारे में बता रहा है रावण कि रस 6 प्रकार के होते हैं, मधुर, मीठा और अम्ल, लवण, तिक्त, कटु तथा कषाय। और प्रकृति में ये परस्पर अपने से अगले से अधिक निर्बल होते जाते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा बलवान रहा मधुर मीठा, मीठा मधुर, उसके बाद नंबर 2 पे है अम्ल और तीसरे पे है लवण, फिर है तिक्त और फिर है कटु यानी कड़वा तथा कषाय। ये जो हैं ये 6 प्रकार, तो एक के बाद जो अगला यानी सबसे जो निर्बल है वो कषाय है और सबसे जो बलवान है वो मधुर मीठा है। मधुर रस पिछलता और शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तो मधुर यानी मीठा जो है ये रस पिछलता और शीतलता प्रदान करने वाला होता है। इससे शरीर में धातुओं की वृद्धि होती है। यह माँ के दूध के समान ही लाभदायक होता है। यह नेत्रों के लिए भी लाभदायक है। इससे वात और पित्त का भी नाश होता है। मल और कृमि को उत्पन्न करने में यह सहायक माना जाता है। यह इसका एक दोष है कि मल और कृमि यानी कि कीड़े, इनको उत्पन्न करने में यह सहायक माना जाता है। अम्ल रस की प्रकृति अंदर से उष्ण और बाहर से शीतल होती है। यह पित्त, कफ व रक्त में वृद्धि करने वाला होता है। यह मलमूत्र की रुकावट व अफारा को भी दूर करता है, किंतु नेत्र, दांत व भौहों के लिए यह हानिकारक होता है। यह अम्ल रस की जो प्रकृति बताई है रावण ने, इसे आप ध्यान से सुनिए। अंदर से उष्ण तथा बाहर से शीतल होता है। यह पित्त, कफ व रक्त में वृद्धि करने वाला होता है और यह मलमूत्र की रुकावट व अफारा को भी दूर करता है, किंतु नेत्र, दांत व भौहों के लिए यह हानिकारक होता है। अब लवण यानी नमकीन यानी खारा, उसका गुण बताते हैं रावण। लवण यानी खारे रस शोधक होते हैं। ये रुचि को बढ़ाता है और पाचन में सहायक होता है। कफ, पित्त, वात का नाश करते हैं और शरीर के लिए शिथिल व मृदुकारक हैं। अब तिक्त रस के बारे में बता रहे हैं। तिक्त रस में ठंडक का गुण होता है। इससे तृषा, मूर्छा, ज्वर, पित्त तथा कफ का नाश होता है। यह रुचिता बढ़ाता है, किंतु इससे रस में रुचि कम होती है। यह गले व छाती के रोगों को भी दूर करता है और अस्थिरोधक है। अब कटु रस के बारे में बताते हैं। कटु रस कुछ रूक्षपन लिए हुए होता है। यह छाती के रोगों के लिए लाभदायक होता है तथा कफ, कंडू व विष का भी नाश करता है। यह गर्मी प्रदान करता है और नेत्रों के लिए भी लाभदायक होता है। यह पाचक तथा रेचक भी होता है। यह कटु रस के लक्षण है कि यह कुछ रुक्षपन लिए होता है। यह छाती के रोगों के लिए लाभदायक होता है तथा कफ, कंडू व विष का भी नाश करता है। यह गर्मी प्रदान करता है और नेत्रों के लिए लाभदायक होता है। यह पाचक तथा रेचक भी होता है। अब कषाय रस के गुण सुनिए। तो जो कषाय रस होता है वह कृमि, कंडू, कफ, वात,
तथा व्याधि का नाशक होता है। इस रस का अधिक उपयोग करने पर नेत्रों को हानि होती है, इसलिए इसका अल्प उपयोग ही करना चाहिए। अब पंचभूत के बारे में बात करते हैं रावण। तो पंचभूत के पांच गुण हैं, गुरु यानि भारी, जिसमें गुरुत्व हो। या गुरु शब्द में दो रहस्य आ गए हैं रावण, या बता तो अर्क संहिता के बारे में रहे हैं, लेकिन उसमें शब्द आया है गुरु और उसमें आगे शब्द लिखा है भारी, यानी जिसमें गुरुत्व होता है वही गुरु होता है। जो जिसमें भारीपन हो, जिसमें केंद्रीयकरण की शक्ति हो, वो उसी को गुरु कहा जाता है। तो ये गुरु स्निग्ध यानी मृदु और चिकना, तीक्ष्ण रुक्ष व लघु यानी हल्का, पृथ्वी में भी ये पांच गुण समाहित हैं। गुरु वातहर कफवर्धक होता है तथा पचने में भी अधिक समय लेता है। स्निग्ध वात को हरता है तथा कफकारक होता है, इससे कमर व मस्तक की शक्ति भी कम होती है। यानी गुरु जो है वातहर यानी वायु के जो रोगी होते हैं, जिनको वात का रोग होता है और कफ ये इनकी वृद्धि करता है तथा पचने में भी अधिक समय लेता है, और स्निग्ध जो है ये वात को हरण करता है। यानी वात की बीमारी हो तो स्निग्ध का सेवन करना चाहिए, वो वात का हरण करता है। तथा कफ का रक होता है, इससे कमर एवं मस्तिष्क की शक्ति भी कम होती है। अतः गुरु यानी भारी जो वो हैं रस, इनको भारी भूत हैं, पंचभूत हैं ये, इनको जो है गुरु वाले तत्वों को कम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बात को तो हरण कर लेता है लेकिन कफ वर्धन कर देता है और पचने में भी अधिक समय लेता है। स्निग्ध वात को हरता है तथा कफ कारक होता है, इससे कमर एवं मस्तिष्क की शक्ति भी कम होती है। अब तीक्ष्ण पित्त कारक होता है, यह मल निस्सारक व कफ वात भी बढ़ाता है। रूक्ष वात कारक होता है और कफ का नाश करता है। अब ये पंचभूत हुए, आगे इसमें रावण जो बता रहे हैं, लघु गुण को पथ्य माना गया है, यह कफ का नाश करता है, यह गुण पचने में भी समय लेता है। पृथ्वी के गुणों के अनुसार ही द्रव्य गुणों के साथ सामंजस्य कर औषधियां ग्रहण करनी चाहिए। शीतोष्ण औषधियों में बल और काल को भी परखना चाहिए। स्थान से भी औषधियां प्रभावित होती हैं। अच्छा स्थान औषधि को अधिक प्रभावशाली व मध्यम स्थान कम प्रभावशाली बनाता है। शहरों में आपने देखा होगा जो सीवर लाइन के नाले होते हैं, उनके किनारे लोग सब्जियां उगाकर बाजार में बेचते हैं। शहरों में अक्सर ऐसी सब्जियां मिलती हैं जो नाले के किनारों पर उगाई जाती हैं और उनको बाजार में बेचा जाता है। तो स्थान भेद से गुण किस प्रकार से बदलते हैं ये रावण ने यहाँ पे बताया है कि लघु गुण को पथ्य माना गया, यह कफ का नाश करता है, यह गुण पचने में भी समय लेता है और पृथ्वी के गुणों के अनुसार ही द्रव्य गुणों के साथ सामंजस्य कर औषधियाँ ग्रहण करनी चाहिए। शीतोष्ण औषधियों में बल और काल को भी परखना चाहिए। स्थान से भी औषधियां प्रभावित होती हैं। अच्छा स्थान औषधि को अधिक प्रभावशाली वो मध्यम स्थान कम प्रभावशाली बनाता है। वन प्रांत से प्राप्त सभी औषधियां पित्त का नाश करती हैं और जलीय देश से प्राप्त औषधियां कफ कारक होती हैं। तो यहां पे स्थान भेद ये भी आया कि वन प्रांत ये जो जगह हैं जहाँ पे जल नहीं होता है, समुंदर नहीं है या नदियों के किनारों से दूर ऐसी जगह है, तो वन प्रांत से प्राप्त सभी औषधियाँ पित्त का नाश करती हैं और जलीय देश से प्राप्त औषधियाँ कफ कारक होती हैं। दक्षिण देश से उपलब्ध औषधियाँ प्राप्ति के समय तो उष्ण होती हैं
किंतु प्रभाव में यह शीतल होती हैं। उत्तर देशों से प्राप्त औषधियाँ इसके विपरीत होती हैं, वे प्राप्ति के समय शीतल होती हैं किंतु उनका प्रभाव उष्ण होता है, और मध्यवर्ती देशों से प्राप्त औषधियों में यथोक्त बल होता है। औषधियों की प्रकृति तीन प्रकार की होती है, मधुर, अम्ल तथा कटु, अर्थात मीठा, खट्टा और कड़वा। तो सर्वश्रेष्ठ औषधि जो मानी गई है वो मध्यवर्ती देशों की मानी गई है, कि जो बीच में है, जलीय स्थान और शुष्क स्थान दोनों के बीच की जो जगह है, मध्यवर्ती स्थान है, वहाँ से प्राप्त औषधियाँ बेहद प्रभावकारी और गुणकारी मानी गई हैं। यहाँ औषधि शब्द जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ सब्जी शब्द, साग भाजी शब्द या सागपात शब्द अपने आप स्वयं ही समझ लें, क्योंकि ऐसी कोई सब्जी नहीं है, ऐसा कोई मसाला नहीं है जिसके गुणों का वर्णन आगे यहाँ पर रावण नहीं करेगा। अतः सब प्रकार की सब्जियाँ और जितने भी भोजन बनाने में काम आते हैं साग या मसाले, इन सब के गुण इस संहिता में आएंगे। अतः औषधि शब्द से अर्थ दवा ही नहीं समझें, ये औषधि यानी कि आप जो सब्जी खाते हैं वो भी औषधि है, उसमें भी औषधि के गुण हैं, उसमें जो मसाले डाले जाते हैं उसमें भी औषधीय गुण है। इसलिए इसको गृहिणियों को बहुत अच्छे से जानकारी रखना चाहिए। जिन गृहिणियों को यह जानकारियाँ होती हैं उनके परिवार में लोग बीमार नहीं होते, अस्वस्थ नहीं होते और जल्दी वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते, चिर युवा रहते हैं और उनके शरीर की कांति भी अलग प्रकार की रहती है, चेहरे का तेज और वाणी का ओज अलग प्रकार का रहता है। अतः यह बात स्मरणीय है। हाँ, तो पकने पर उनका हीन बल परखना चाहिए, यानी कोई भी फल फूल है या साग संभाजी है या औषधि, तो पकने पर उसका हीन बल परखना चाहिए। मधुर पकने के बाद कड़वा हो जाता है और अम्ल का स्वाद पकने पर भी अम्ल ही रहता है और शेष रस लवण तिक्त हो जाते हैं, कटु व कषाय पकाने के बाद कड़वे हो जाते हैं। ये सूत्र है, ये ध्यान रखिए। मधुर पकने पर कफ की उत्पत्ति करता है और वात तथा पित्त का नाश करता है। अम्ल पकने पर पित्त उत्पन्न करता है तथा वात व पित्त का नाश करता है, और कटु रस पकने पर वात की वृद्धि करता है और कफ व पित्त का नाश करता है। रसों के विपाक प्रभाव को विशेष तौर पर बताया गया है। अब द्रव्य प्रभाव, उसका हम यहां आगे वर्णन कर रहे हैं। अब हम यहां पर द्रव्य प्रभावों का वर्णन कर रहे हैं। रावण संहिता जो अर्क संहिता है रावण की, उसमें जो रावण ने वर्णन किया है मंदोदरी से, उसको हम बता रहे हैं। रसों की समानता में जो कर्म प्रभाव से बचे रह गए हैं उनके बारे में भी बताया गया है। वज्रदंती के रस में तुल्य चित्रक का रस अतिसार कारक हो जाता है, यानी विरेचक हो जाता है, यानी कि अब रसों की समानता में जो कर्म प्रभाव से बचे रह गए हैं उनके बारे में भी बताया है रावण ने। तो वज्रदंती के रस के तुल्य चित्रक का रस अतिसार कारक हो जाता है, यानी विरेचक हो जाता है, यानी दस्त लग जाएंगे। और मधु के साथ मिलाकर, मधु यानी शहद, तो मधु के साथ मिलाकर दाख या घृत तथा दूध के साथ मिलाकर दाख तीव्र और दीपन हो जाती है। अब यहाँ रहस्य सुनिए, शहद के साथ मिलाकर के दाख या घी तथा दूध के साथ मिलाकर दाख तीव्र और दीपन हो जाती है,
आंवला और कटहल के रसों की मात्रा संभाग होने पर, यानी आंवला और कटहल का रस यानी समान भाग में लिया जाए, समान मात्रा में लिया जाए, तो तीनों दोष यानी कफ, वात और पित्त का नाश होता है। कई द्रव्य स्वभाव से भी अपने प्रभाव व कर्म प्रकट करते हैं। सहदेई की जड़ सिर में लगाने से ज्वर का नाश होता है, यानी बुखार उतर जाता है। ज्वर यानी बुखार, तो सहदेई की जड़ सिर पर लगाने से ज्वर का नाश होता है। और पुष्य नक्षत्र के अवसर पर धारण की गई मूली से शरीर में लौह तत्वों की कमी दूर होती है। पुष्य नक्षत्र में अगर मूली, जो ये मूली जो बाजार में मिलती है, उस मूली की बात कर रहे हैं, अगर आप अपने खेत में से लेके आएंगे ताजी, तो वो ज़्यादा वो रहती है, और बाजार से खरीदेंगे तो बाजार की तो कहना ही क्या है, कोल्ड स्टोरेज से आई होगी या फिर वो उसके तो कुछ नहीं बता सकते। तो सहदेई की जड़ सिर पर लगाने से ज्वर का नाश होता है, और पुष्य नक्षत्र के अवसर पर धारण की गई मूली से शरीर में लोहे के तत्वों की कमी दूर होती है। यानी शरीर में आयरन कम हो रहा है तो पुष्य नक्षत्र में मूली धारण करना चाहिए। मूली का धारण करने के अलावा सेवन करना चाहिए, खाना चाहिए, तो लोह तत्व जो होता है, आयरन शरीर के अंदर जो कमी होती है आयरन तत्व की, वह दूर हो जाती है। फिर रावण बोलता है मंदोदरी से, हे प्रिय, द्रव्य कल्प 5 प्रकार के होते हैं, कल्क, चूर्ण, तरल, तेल तथा अर्क। ये सभी एक दूसरे से अधिक गुण वाले होते हैं, यानी कि सबसे आखिरी का जो अर्क है ये सबसे ज़्यादा गुण इसमें होते हैं और कल्क इसमें कम गुण होते हैं। तो क्या क्रम है इनका? कल्क, चूर्ण, तरल, तेल तथा अर्क, ये सभी एक दूसरे से अधिक गुण वाले होते हैं। इन्हें क्रमशः विभिन्न रोगों के निवारण हेतु, यथा सन्निपात उसको कहते हैं, किसी पे जैसे एकदम दौरा सा पड़ जाता है और वो चीखने चिल्लाने लगता है, उसको सन्निपात बोला जाता है। गांवों में सन्न बाबरा बोलते हैं, तो एक सन्न पड़ता है उस पर, तो यानी पागलपन जैसा दौरा होता है, इसको सन्निपात बोलते हैं। इनफैक्ट वो पागल न होते हुए भी एकदम से पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है, ये सन्निपात का जो दौरा होता है उसकी यहाँ पर वो बताई जा रही है। तो इन्हें क्रमशः विभिन्न रोगों के निवारण हेतु, जैसे सन्निपात, मिश्रित रोगों, असाध्य रोगों के उपयोग में लाया जाता है। इनके काल और अग्नि प्रभाव को देखकर ही उपयोग में लाना चाहिए। पहले में सभी प्रकार के गुण मौजूद हैं, दूसरे में कुछ कम गुण हैं, तीसरा शीघ्र क्रिया करता है और चौथा सर्वथा दोष रहित है, ये ध्यान रहे। क्या? पहले में सभी प्रकार के गुण हैं, दूसरे में कुछ कम गुण है, तीसरा शीघ्र क्रिया करता है, यानी कि सबके फर्क देखिए कि पहले में सभी प्रकार के गुण और दूसरे में कुछ कम गुण और तीसरा शीघ्र क्रिया करता है, यानी तेज असर दिखाता है, जल्दी असर करता है, और चौथा सर्वथा दोष रहित है, यानी उसमें कोई दोष नहीं है, वो जिस हिसाब से जैसी क्रिया करनी चाहिए वो उसी हिसाब से और बिल्कुल सही और दुरुस्त क्रिया करता है, असर करता है। अब पांचवा कल्प यानी अर्क, ये दोष रहित है, इसमें सभी गुणों का समावेश है, यह बहुत ही प्रभावशाली है, ऐसा स्वयं पंचानन महादेव जी का भी कथन है। पश्चमम दोष रहितम गुण संग प्रकाशकम पश्चमत्यतु सामर्थ्यम स्वयं पश्चाननो ब्रवीत।
तब पार्वती जी ने वहाँ पूछा महादेव से, ये जब महादेव ने ये बात कही कि पांचवा कल्प यानी अर्क दोष रहित है, इसमें सभी गुणों का समावेश है, यह बहुत ही प्रभावशाली है। जब महादेव जी ने कहा तब पार्वती जी बोली, यहाँ पे पार्वती जी का आया है कि हे पुत्र दशानन, मैं सहस्र वर्षों तक भी रात दिन अर्क कल्प का वृत्तांत बताती रहूं तो भी वह पूर्ण नहीं होगा। अर्क कल्प इतना बड़ा है कि इसका वृत्तांत हजार वर्षों तक भी रात दिन बताया जाए तो भी यह पूर्ण नहीं होगा। पुलिंग वार, अब देखिए यहां पर अब वारों का बड़ा महत्व है। तो पुल्लिंग वार अर्थात रविवार, मंगलवार व गुरुवार को पुरुष नक्षत्र में दोपहर के समय बनाया गया अर्क स्त्री को सेवन के लिए देना चाहिए, और स्त्रीवार अर्थात सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व शनिवार को स्त्री नक्षत्र में बनाया गया अर्क पुरुषों को सेवन करना चाहिए। ये देखिए स्त्री जो वो वार हैं उनमें जो अर्क बनाया जाएगा वो तो पुरुषों को सेवन करना है, और जो पुरुष वार हैं पुल्लिंग हैं उनमें बनाया गया अर्क स्त्री को सेवन करना चाहिए, ये ध्यान रखें। लौह चूर्ण फिटकरी गेरू और भाड़ की भुनी हुई मिट्टी के साथ अस्थि चूर्ण, कांच चूर्ण तथा कीकस चूर्ण को संभाग लेकर मिला लें। इनके संभाग मिट्टी मिलाकर गौमूत्र, अश्वमूत्र, भैंसा मूत्र व बकरा मूत्र में अच्छी तरह गूंथ लें और धूप में सुखा लें। देखिए क्या क्या है, लौह चूर्ण फिटकरी गेरू भाड़ की भुनी हुई मिट्टी के साथ में अस्थि चूर्ण यानी हड्डी का चूर्ण, कांच चूर्ण और कीकस चूर्ण, इनको संभाग में बराबर मात्रा में लेकर के मिला लें। इनमें संभाग मिट्टी मिलाकर गौमूत्र, अश्वमूत्र यानी गाय का मूत्र, अश्वमूत्र यानी घोड़े का मूत्र और भैंसा का मूत्र और बकरे का मूत्र, इसमें मिलाकर अच्छी तरह गूंथ लें और धूप में सुखा लें। सुखाने से पूर्व उसका तब तक शोधन करना चाहिए। अब यहाँ देखिए शोधन शब्द आया है, इसको शोधन भी करना पड़ता है, तो शोधन की विद्या भी आगे वर्णन की जाएगी। तो सुखाने से पूर्व उसका तब तक शोधन करना चाहिए जब तक कि उसमें गंध का नाश न हो जाए। उसमें से गंध, जो गंधे हैं जैसे कि इन मूत्रों की और उनकी अलग अलग चीज़ों की, ये सब गंध उसमें से चली जानी चाहिए, तो ये शोधन क्रिया तब तक करनी चाहिए। इस तैयार मसाले का किसी हल्के हाथ वाले कुम्हार द्वारा एक शुद्ध पात्र यानी यंत्र तैयार करवाएं। एक हल्के हाथ वाले कुम्हार, हल्के हाथ वाला कुम्हार यानी कि जो कोमल हाथों से और कलात्मक आकृतियों को या बर्तनों को बनाता है उसको हल्के हाथ वाला कुम्हार कहते हैं, जो चतुर और बहुत अनुभवी होता है। तो इस तैयार मसाले का किसी हल्के हाथ वाले कुम्हार द्वारा एक शुद्ध पात्र यंत्र यानी एक बर्तन टाइप का यंत्र होता है, तो शुद्ध पात्र यंत्र तैयार करवाएं। यह पात्र अर्क बनाने की आवश्यकता अनुसार चौड़ा तथा लगभग 3 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। तो ये अर्क बनाने का यंत्र है, ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं कि अर्क कैसे बनाया जाता है और उसके लिए कौन सी धातु, कौन सा पात्र इस्तेमाल करना चाहिए, ये उसका वर्णन चल रहा है। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि तैयार मसाले का किसी हल्के हाथ वाले कुम्हार द्वारा एक शुद्ध पात्र यंत्र तैयार करवाएं। यह पात्र अर्क बनाने की आवश्यकता अनुसार चौड़ा तथा लगभग 3 अंगुल ऊंचा होना चाहिए। सूर्य जैसे मंडल के आकार वाले जोड़ में 2 अंगुल चौड़ी खाम लगाएं
और ढक्कन के पात्र के किनारे 3 अंगुल नीचे की ओर होने चाहिए और दोनों पात्रों को उल्टा व सीधा मिलाकर उस पर दृढ़ खाम लगा दें। खाम यानी कि वो जिससे दोनों को मिलाया जाता है, जैसे अपन दो मिट्टी के बर्तन हो तो दोनों मिट्टी के बर्तनों को ऊपर नीचे रखेंगे तो बीच में मिट्टी से ही खाम भर दी जाती है, यानी कि उनको बंद कर दिया जाता है जिससे वैक्यूम क्रिएट हो जाए, वैक्यूम बनने लगे, तो उसको खाम लगाना कहते हैं। यानी कि किसी चीज़ को किसी से जोड़ना, जैसे कि दो घड़े उल्टे करके जोड़ दिए जाएँ, यानी उनके मुंह जोड़ दिए जाएँ और फिर उस पर खाम लगा दी जाए इस टाइप से। तो जैसे ये जो अर्क बनाने का पात्र है इसको ढका जो जाएगा, ढकने वाला जो पात्र है, तो उसके बारे में बताया जाता है। सूर्य जैसे मंडल के आकार वाले जोड़ में 2 अंगुल चौड़ी खाम लगाएं, ढक्कन के पात्र के किनारे 3 अंगुल नीचे की ओर होने चाहिए और दोनों पात्रों को उल्टा व सीधा मिलाकर उस पर दृढ़ खाम यानी पक्की खाम लगा दें। सुधीजनों को चाहिए यानी विद्वानों को चाहिए, यानी जिनकी शुद्ध बुद्धि है, सुधीजनों को चाहिए इस प्रकार तैयार किए गए ऊपरी पात्र के मध्य भाग में सक्षम कारीगरों से छिद्र करवाएं, यानी उसमें छेद करवा लेने चाहिए अच्छे कारीगरों से। फिर उसमें हाथी की सूंड के आकार का नल लगाएं, यानी कि फिर उसमें से हाथी की सूंड के आकार का नल लगाएं, यानी कि ये जो उसमें लेबोरेटरी रहती है केमिस्ट्री की, उसमें से वो जो ट्यूब निकलती एक नली निकाली है, इस टाइप से इसमें से हाथी की सूंड के आकार का नल लगाएं और ढक्कन लगाते समय यह नल उसमें 3 अंगुल तक अंदर होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रहे, ये नल जो है मिट्टी का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, लेकिन मिट्टी का सबसे ज़्यादा शुद्ध और परिपक्व माना जाता है। तो आप नल किसी भी चीज़ का लगा सकते हैं इसमें। तो इसमें हाथी की सूंड के आकार का नल लगाएं, ढक्कन लगाते समय यह नल उसमें 3 अंगुल तक अंदर होना चाहिए। उसी पात्र का मस्तक जल धारण हेतु 4 अंगुल तक ऊंचा होना चाहिए। मध्य भाग में जहां नल लगाया गया है वहां जीर्ण अस्थि यानी कि जो पुरानी हड्डी और मिट्टी का लेप लगाएं, तो वहां जीर्ण अस्थि व मिट्टी का लेप लगाएं, यानी पुरानी हड्डी और मिट्टी, इन दोनों का चूर्ण बना करके लेप उस जगह पर लगाया जाना चाहिए। संपूर्ण दोषों को दूर करने के लिए श्वेत कांच के लेप का भी उपयोग किया जा सकता है। अगर आपको ये चीज़ें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तो आप इसके लिए सफ़ेद कांच के लेप का भी उपयोग कर सकते हैं। कांच यानी जब पिघली हुई अवस्था में रहता है तो उसके लेप का भी उपयोग किया जा सकता है। अब इसके बाद में हम भोजन पात्र का वर्णन करेंगे। इस फिल्म को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। आगे के भाग में हम भोजन पात्र का वर्णन करेंगे जो रावण ने वर्णन किया है, कि उसमें जो है कैसे बता देता है वो पात्र के भोजन में जहर है या क्या है, और उसमें कई प्रकार की चीज़ें उत्तम होते हैं, पवित्र होते हैं। तो सबसे पवित्र जो भोजन पात्र होता है तो महाविष का भी संयोग होगा तो पता चल जाता है, विष होगा तो पता चल जाता है, और वो इस प्रकार के पात्र। और फिर अर्कों का वर्णन हम आगे बताएंगे, अर्क वर्णन करेंगे, फिर अग्नि के लक्षण बताए जाएंगे, ये हम अगली फिल्म में प्रस्तुत करेंगे। तो यह फिल्म का यह भाग हमने रावण संहिता से प्रस्तुत किया, और मैं नरेंद्र सिंह तोमर आनंद, महाभारत योद्धा, परमवीर पराक्रमी योद्धा अर्जुन का वंशज,
और महाभारत सम्राट दिल्लीपत महाराजा नंगपाल सिंह तोमर की 23वीं पीढ़ी ने यह उच्चारण अपने स्वर में प्रस्तुत किया। आप सबके लोक कल्याण के लिए, सबके हित के लिए, आप सबका हित हो। अब इस संगीता ये बहुत बड़ी है तो फिल्म कई भागों में जाएगी। अभी जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय।